नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क में आपके साथ शिवम वालिया। देखिए, चुनाव की तारीख आने में करीब करीब 2-3 दिन बचे हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां लोगों को रुझाने की कोशिश कर रही है और उसी में से एक भारतीय जनता पार्टी भी 10 साल बाद कलियर विधानसभा में कमल खिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी मुनीश सैनी जी से सीधी बातचीत करेंगे। और सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही होगा कि जनता के लिए क्या विजन लेकर चल रहे हैं आने वाले 5 सालों में। अगर भारतीय जनता पार्टी कलियर विधानसभा में सत्ता में आती है तो क्या विजन मुनीश सैनी जी लेकर चल रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट चर्चा होगी। आपका शिवम जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी विधानसभा में रह रहे हैं और विधानसभा में के बहुत सारे आप विकास जैसे मुद्दे उठाते हैं। आपने कहा क्या विजन रहेगा, भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जिसका विजन और मिशन है, बाकी पार्टी बताओ कौन सी का विजन और मिशन है। और मैं तो सब लोगों को बोला है कि कलियर विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा है जल निकासी का। दूसरा मुद्दा है जो मेरे बुजुर्ग हैं, जो मेरे पिता तुल्य हैं, उन लोगों के लिए कहीं आप पूरी कलियर विधानसभा में देख लो कहीं बैठने का स्थान नहीं है। मेरे युवा साथी हैं, वो बहुत सारे युवा हैं जो फोर्स में या किसी भी जगह अपनी तैयारी करके जाना चाहते हैं, उनके लिए कहीं तैयारी का स्थान नहीं है। मेरी बालिकाएं हैं, उनके लिए खेल के क्षेत्र में कितना प्रोत्साहन भारत सरकार दे रही है, कहीं खेल का स्थान नहीं है कि वो तैयारी कर लें। तो इसलिए मैंने आपसे सब लोगों से पहले भी बताया था, एक तो मैं कलियर विधानसभा के अंदर जल निकासी का जो मुद्दा है वो बिल्कुल ख़त्म करके रखूँगा और उसमें कहीं भी जल भराव आपको नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है कि हमारी मेरी पूरी विधानसभा 55 किलोमीटर में लगभग फैली हुई है, 1,27,000 लगभग मेरे मतदाता हैं, उनको हमने डिवाइडेशन किया है। डिवाइडेशन करने के बाद लगभग 7 मल्टीफंक्शनल प्लेग्राउंड हम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनवाएंगे, जिसमें मल्टीफंक्शनल हमने नाम इसलिए दिया है कि उसके अंदर जो मेरे बुजुर्ग हैं वो सुबह टहल भी सकते हैं और शाम को आगे बैठ भी सकते हैं। जो मेरे युवा साथी हैं जो अपने किसी भी फोर्स में या कहीं भी नौकरी में जाने की तैयारी करना चाहते हैं, रनिंग करना चाहते हैं, तो वो उसमें पटरी टाइप बनवाएंगे, रनिंग भी कर सकते हैं। जो मेरी बालिकाएँ हैं, मेरी छात्र छात्राएँ हैं, बच्चियाँ हैं हमारी, वो उसमें खेल के क्षेत्र में अगर कहीं जाना चाहती है तो उसमें एक पोर्शन हम ऐसा देंगे कि वो अपनी खेल की तैयारी कर सकती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना पूरा ग्राफ बना के पूरी कलियर विधानसभा के लिए तैयार किया हुआ है। वैसे हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो गया है, जो भी उसमें हमारा आया होगा वो हम आपको सब लोगों के पास, और हम लोग कोई झूठा वादा नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, जो भी वादा करेगी जनता के साथ में, जो भी अपने देवतुल्य मतदाताओं के साथ में करेगी उसको पूर्ण करेगी। देखिए, आपने 7 मल्टीफंक्शनल ग्राउंड बनाने की बात की, अब इसी बात को लेकर मैं निवर्तमान विधायक फुरकान अहमद के पास गया। उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे सवाल किया कि पिछले 10 साल में प्लेग्राउंड क्यों नहीं बन सके जनता के लिए, युवाओं के लिए जो खेलना चाहते हैं, तो उनका जवाब आया कि ग्राम प्रधान ने उन्हें जमीन आवंटित नहीं की जिसके चलते प्लेग्राउंड नहीं बन सके, लेकिन अगर वो सत्ता में आते हैं तो प्लेग्राउंड बनवाएंगे। सवाल तो यही था ना, पिछले 10 साल से नहीं बने, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुनीश सैनी की क्या प्रतिक्रिया है? अब आप समझ सकते हैं कि वो खुद ही बोल रहे कि मेरे पास जमीन नहीं मिली, ग्राम प्रधान से वो एक प्रपोजल नहीं पास करा पाए, तो उसके बाद आप उनकी अक्षमता खुद ही समझ सकते हैं। अरे भाई, ये तो उनको राज्य सरकार में देना चाहिए था। मैं तो अभी अब से जब आचार संहिता लगी उससे 2 महीना पहले राज्य सरकार में दिया था और खेल विभाग ने उसका सर्वे भी कर लिया समाज कल्याण विभाग के साथ में मिलके। तो ऐसा है ही नहीं कि हमारे विधानसभा के अंदर जमीन ना मिल पाए, ऐसा कौन सा एरिया। लेकिन वो एक विजन और मिशन जो आपने कहा उसके तहत काम होता है, तो विजन और मिशन आदमी का होगा तभी तो विकास होगा। जब विजन और मिशन ही नहीं है तो फिर कहाँ से विकास हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि मैं जो जमीन ही नहीं तलाश पाया, ऐसा कैसे संभव है? आप राज्य सरकार में प्रपोजल दीजिए, राज्य सरकार में वहाँ, और जब आप विधानसभा में बैठते हैं तो उसकी पटल पे पास कराइए, तो राज्य सरकार क्या हेतु, वो जमीन आपको खुद देगी ढूंढ के। यानी कि वो नहीं करा सके, कहीं ना कहीं उनकी ही कमियां रही। तो अगला सवाल, देखिए आप गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो लगभग कितने गांव विधानसभा के अंदर कवर हो चुके हैं? एक कहा जाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत है अपने गांव का, वहां से तो मिलना ही मिलना है, तो लोगों का क्या रुझान इस बार आपको देखने को मिल रहा है? मेरे जितने भी देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, देवतुल्य मेरे मतदाता हैं, उनका इतना असीम प्यार और सम्मान मेरे को दे रहे हैं कि उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए। और मैं बस आपको यही आश्वस्त कर सकता हूँ कि इस बार कलियर विधानसभा के अंदर बहुत भारी मत से कमल का फूल विजयी होने वाला है।
देखिए अभी 10 मार्च को साफ होगा कि ईवीएम में से किसके वोट निकलने वाले हैं, कमल के निकलेंगे, हाथ के पंजे के निकलेंगे या किसी और के, क्योंकि राजनीतिक मैदान पर तमाम पार्टियां लोगों को रुझाने की कोशिश कर रही है, जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन 10 मार्च की तारीख वो तारीख होगी जिस दिन ईवीएम में से किसके वोट निकलेंगे और कौन सी पार्टी सत्ता में बैठने वाली है। लेकिन फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।